यदि आप अपने परिवार के साथ डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी का दर्शन नहीं किया है तो इस साल शारदीय नवरात्र पर दर्शन लाभ ले सकते हैं, क्योंकि पूरे कोरोना काल के 2 साल बाद यह विशाल मेले का आयोजन होगा, जिसे लेकर बैठक भी आयोजित की गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या जैन और आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया 24 की खास पेशकश, डोंगरगढ़ में नवरात्रि मेला। डोंगरगढ़ में 2 साल बाद लगेगा कवार नवरात्रि पर मेला। दर्शनार्थियों के लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था के लिए बैठक हुई। बैठक में मेला आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ ही अहम निर्णय लिए गए। यह बताया गया कि पदयात्री मार्ग के सभी दिशाओं में अस्थायी टॉयलेट की व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था की जाए। ऊपर मंदिर से लेकर नीचे मंदिर तक दुकानों में पॉलिथीन का उपयोग प्रतिबंधित किया जाएगा। बैठक में दुर्ग से राजनांदगांव आते समय पदयात्री बाई और आते हुए राम दरबार के पास फ्लाईओवर के पास दाहिनी ओर के सर्विस रोड से डोंगरगढ़ प्रस्थान करेंगे। क्वार नवरात्रि पर्व के प्रारंभ में समापन तक अमलीडी मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से रखी जाएगी और पदयात्री मार्ग पर नवरात्रि के पूर्व अस्थायी रूप से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई जाएगी। कोरोना संक्रमण काल के 2 साल बाद इस साल डोंगरगढ़ मां बम्लेश्वरी परिसर में विशाल मेला लगेगा। दूर दराज से आने वाले पदयात्रियों के लिए प्रशासन ने रूट का निर्धारण कर दिया है। कलेक्टर ने आज मेला प्रबंधन को लेकर बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी। क्वार नवरात्रि का पर्व 10 दिन बाद आगामी 26 सितम्बर को शुरू हो रहा है। कलेक्टर डोमन सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में मां बम्लेश्वरी देवी मंदिर क्वार नवरात्रि आयोजन के संबंध में मेला समिति और विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर बैठक में मेला के सफल आयोजन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कलेक्टर ने कहा कि डोंगरगढ़ मेला का विशेष महत्व है। नवरात्रि मेला में देश भर के श्रद्धालु मां बम्लेश्वरी दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मेला का आयोजन नहीं हो सका था, इस वर्ष मेला का आयोजन होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शनार्थियों के लिए आने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने मेला समिति और विभागीय अधिकारियों को भी सभी आवश्यक कार्यवाही और तैयारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि मेला में विशेष आस्था और श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यवाही करें। कलेक्टर ने कहा कि मेला आयोजन के लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए, साथ ही विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, पदयात्रियों के लिए आवश्यक सुविधा के साथ ही अन्य सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने आमदनी कमा सके। कहा है उन्होंने कहा कि मेला आयोजक के दौरान कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि मीना बाजार एवं मशीनों से चलने वाली यंत्रों के संचालन के लिए फिटनेस की जांच करने के उपरांत ही एनओसी दिया जाए, एनओसी मिलने के उपरांत ही इसके संचालन की अनुमति दी जाए।
साथ ही इस बैठक में महापौर श्रीमती हेमा देशमुख ने कहा कि मां बम्लेश्वरी के चरणों में चढ़ने वाले फूलों को महिला समूह को उपलब्ध कराया जाए, जिससे इन फूलों से अगरबत्ती धूप सहित अन्य सामग्री का निर्माण कर महिला समूह आर्थिक लाभ पा सके। देखा जाए तो इस मेले का इंतजार काफी किया जाता है, लेकिन कोरोना काल के कारण मेला नहीं लग सका था। इस साल लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है।